A very good morning, students. An electric lamp is designed to operate at 110 volt DC and 11 ampere current. If the lamp is operated on 220 volt and 50 hertz AC source with a coil in series, then find the inductance of the coil. ये हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है. तो सबसे पहले हम जो जो चीज दी हुई है वो निकाल लेते हैं. हमें बोला हुआ है कि एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस है, जिसका रेजिस्टेंस लेट से आर ओम्स है, और ये कितने वोल्ट बैटरी पे अप्लाई होता है? ये 110 वोल्ट की बैटरी पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है. ये 110 वोल्ट की बैटरी पे ऑपरेट हो रहा है, जिसमें जो करंट वो फ्लो करवा रहा है वो 11 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है. ओके, ये हमें गिवन है. तो पहले तो हम इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू कितना होता है, आई आर होता है. तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बटे R, विच इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 11, विच इज 10 ओम्स, ठीक है. अब उन्होंने बोला इसी बल्ब को, ये जो बल्ब है हमारा लाइट बल्ब, इसको हमने 220 वोल्ट अप्लाई कर दिया है, ठीक है. 220 वोल्ट एसी सोर्स, ये देखिए एसी सोर्स हमने लगा दिया है, कितना 220 वोल्ट और कितने हर्ट्ज पे कर रहे हैं, 50 हर्ट्ज, ओके. अब यहाँ पे उन्होंने बोला है, देखिए गौर से पढ़िएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है, इन एसी सोर्स विथ अ कॉइल इन सीरीज. उन्होंने बोला है कि एक कॉइल हमने यहाँ पे सीरीज में भी लगा दी है. लेट्स से इसका अभी आर तो मैंने निकाल ही लिया, विच इज इक्वल टू 10 ओम. आर मैंने कितना निकाला है, 10 ओम. ये यहाँ पे मेरा करंट फ्लो हो रहा है, और ये लेट्स से मैंने जो कॉइल लगाई है उसका इंडक्टेंस एल है, और हमें एल की ही वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए बोली है, ठीक है. अब इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्वेश्चन होता है कि भाई करंट का क्या करें. देखिए ये जो बल्ब है ये कितने एम्पियर करंट ले रहा है, ये करंट ले रहा है 11 एम्पियर. अगर आपने करंट की वैल्यू कम ज्यादा करने की कोशिश की, सॉरी कम करने की सपोज कोशिश की, तो वो डिम जलने लग जाएगा. ज्यादा एम्पियर देने की कोशिश की, हो सकता है जोर से ज्यादा पावर ले ले, बहुत ज्यादा उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाए. तो हम क्या करेंगे, अगर इसी 110 वोल्ट वाले बल्ब को, जो बेचारा पहले 110 ले रहा था, उसको आपने ज्यादा वोल्टेज पे कर दिया, तो वोल्टेज ज्यादा तो करंट भी ज्यादा होना चाहिए. लेकिन हमने देखिए साइमल्टेनियसली क्या काम किया, हमने एक इंडक्टर भी तो साथ में लगा दिया है. अब इसका क्या हो गया, जहां पहले खाली R रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, वहां पे L और R मिलके एक इम्पीडेंस प्रोवाइड करेंगे. मतलब अब जो इम्पीडेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर हो जाएगा. तो इम्पीडेंस भी तो बढ़ गया, मतलब अब वोल्टेज ड्रॉप भी तो ज्यादा होगा. तो भले अब 220, देखिए आप याद है आप यही काम करते हैं. जैसे मान लीजिए मेरी एक ट्यूबलाइट है, अब ये बेचारी ट्यूबलाइट 50 वोल्ट ही ले सकती है, लेकिन आपके पास तो 220 का सप्लाई आ रहा है. तो अब क्या करेंगे, आप इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, बट रेजिस्टेंस लगाएंगे तो पावर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, एक चौक कॉइल भी, इसी को तो चौक कॉइल बोलते हैं, हम ये चौक कॉइल लगा देते हैं. ये क्या है, ये चौक कॉइल तो है, देखिए चौक कॉइल की तरह ही तो बिहेव कर रहा है, बल्कि वही है. तो ये क्या काम कर रहा है, इंडक्टर लगाने से क्या हुआ, यहाँ पे इंडक्टर किस किस चीज की गारंटी देता है, इंडक्टर बोलता है कि भाई मैं एक कांस्टेंट स्टेबलाइज करंट दूंगा, एसी को मैं रोकूंगा, मतलब डीसी करंट को आराम से जाने दूंगा, मतलब करंट हमारी सप्लाई बढ़िया तरीके से होगी डीसी करंट की, प्लस स्टेबल ये जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है उसको स्टेबलाइज करने का काम भी करता है इंडक्टर, ठीक है, और एसी को रोक के डीसी को जाने देता है, ओके. तो ये इंडक्टर इसीलिए यहाँ पे लगाया. अब ये लगाने से आप सोचिए, पहले खाली R मतलब V किसके बराबर था, R खाली R आ रहा था, अब इम्पीडेंस आ जाएगा यहाँ पे, मतलब वोल्टेज भी तो आपने बढ़ा. अब जो ये रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, टोटल रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू नाउ इम्पीडेंस, तो अगर इम्पीडेंस बढ़ जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी तो बढ़ जाएगा. तब ये 220 वोल्ट में से ये बाकी का वोल्टेज ये खा लेंगे अगर, तो जितना हमारे बल्ब को चाहिए हमारे बल्ब को उतना ही करंट मिलेगा, ठीक है. तो अगर हमारा बल्ब 11 एम्पियर पे ही ऑपरेट होना है, तो इसीलिए तो हमने यहाँ पे एक चौक कॉइल लगा दिया, तो उसी का उन्होंने इंडक्टेंस बोला, क्योंकि करंट 11 एम्पियर पे, मतलब बल्ब जो है वो बढ़िया ब्राइटनेस के साथ जल रहा है ना. अगर ये कम कर देंगे तो फिर कम या ज्यादा कर देंगे तो हमारा बल्ब फूट भी सकता है, ठीक है. तो इसीलिए करंट तो हम 11 एम्पियर ही रखेंगे यहाँ पे, और इंडक्टर हमने लगा दिया है, विच टेक केयर ऑफ टू स्टेबल आर 11 एम्पियर करंट. ये स्टेबल करंट मेंटेन करने में हमारी हेल्प भी करेगा, ठीक है. तो बस हमारा फॉर्मूला हो गया. अब तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई आर एम एस
इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, करेक्ट। अब आई की वैल्यू मेरे पास है 11, वी आर एम एस की वैल्यू मेरे पास है 220, क्योंकि ये 220 क्या है, ये वी आर एम एस ही तो है, वी आर एम एस, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर की वैल्यू मेरे पास थी 10 का स्क्वायर, तो मैं 100 लिख दूं यहाँ पे डायरेक्ट, प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। अब 11 वन जा 11, 11 टू जा, इसको थोड़ा यहां ले आते हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारा 100 प्लस एक्सएल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 20। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर ले अगर हम, तो एक्सएल का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो जाएगा, यानी एक्सएल का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस 100 इज इक्वल टू 300, तो एक्सएल मेरे पास आ जाएगा, इसको अगर अंडर रूट लेंगे तो 10 अंडर रूट 3 ओम्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो इंडक्टर की वैल्यू पूछी है, तो हम जानते हैं कि एक्सएल क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा क्या होता है 2π/T इंटू एल, और 1/T क्या होता है 2πf इंटू एल, क्योंकि उन्होंने फ्रिक्वेंसी कितनी दी है 50 हर्ट्ज। तो अभी अभी मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, मेरे पास 2π है इंटू एफ है इंटू एल की वैल्यू निकालनी है, तो हैंस इट वुड बी इक्वल्स टू 10√3 डिवाइडेड बाय 2π इंटू 50, ये जीरो से जीरो गया, हैंस माय आंसर वुड बी इज इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाय 10π, ठीक है। सो दिस इज इन हेनरीज, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।